हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल रुड़की का यूट्यूबर। तो आज हम फिर से आ चुके हैं हरिद्वार में। तो हरिद्वार में हम एक घाट में आए हैं। आज से हम जो है हरिद्वार में अलग अलग घाटों पे जाकर, अलग अलग जगहों पे जाकर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये काफी पास है हमारे घर से। तो यहीं से हमारी व्लॉगिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप सामने, तो इस घाट को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये घाट कुछ इस टाइप से है, आपको सामने से दिखाई पड़ जाएगा। ये घाट कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ता है, काफी सुंदर से घाट है। तो घाट का नाम है स्वामी सर्वानंद घाट, जैसे कि ऊपर दिखाई पड़ रहा है। ये कुछ इस टाइप से सामने, ये जो है काफी बड़े बड़े से दरवाजे हैं जहाँ से लोग यहाँ पे प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे काफी कम भीड़ मिलती है, यहाँ पे भी आकर लोग जो है स्नान करते हैं और माँ गंगा का आशीर्वाद जो है लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ देर पहले ही पहुँचे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं घाट का नाम, और सामने ये रास्ता जो जा रहा है इसी के जा रहा है। तो सामने से कुछ ये इस टाइप से ये घाट दिखाई पड़ता है, ये सामने गेट दिखाई पड़ जाते हैं। तो ये सामने का नज़ारा है, तो काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है। तो वहाँ पे चलते हैं, आपको वहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से गुरु जी का। तो यहाँ पे स्वामी देवराव जी महाराज और स्वामी सर्वानंद जी महाराज और स्वामी शांति प्रकाश महाराज और स्वामी हरिदास जी महाराज के यहाँ पे फोटो लगे हैं बड़े बड़े से, कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ते हैं। और सामने ये एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है, और कुछ शाम का नज़ारा कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। हम आगे चलते हैं तो गंगा जी की लहरें यहाँ से गुजरती हुई दिखाई पड़ेंगी। काफ़ी अच्छा मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ता है। सामने सूरज की किरणें अब यहाँ से विलुप्त तो होती हुई जाती हुई है, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चुका है। तो यहाँ से गंगा की लहरें कुछ तरीके से जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। ये सामने आपको हर की पैड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ेगा। तो उसके बाद हम तुरंत पहुँचे हर की पैड़ी पे, और हर की पैड़ी पे पहुँचने के बाद हमने कुछ इस प्रकार का दृश्य देखा, जिसमें हम यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोगों को आते जाते दिखाई दे रहे हैं इस टाइप से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में। तो सामने देख सकते हो यहाँ का नज़ारा, लगभग ये 12 महीने का कुछ इसी टाइप का होता है। सर्दियों में थोड़ा कम हो जाती है भीड़, गर्मियों में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। सामने आपको ये हर की पैड़ी का स्थल दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ पे स्नान करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपको दर्शन होते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जगह जगह पर द्वार बनाए गए हैं जहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। और माँ गंगा का आशीर्वाद ले सकते हैं। तो सामने आपको गंगा माता जी के दर्शन आपको सामने होते हैं। तो कुछ यहाँ से कुछ इस टाइप का दृश्य आपको दिखाई पड़ता है। तो दृश्य जो है यहाँ से काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। सामने गंगा माता की एक मूर्ति दिखाई पड़ती है, सामने एक पुल दिखाई पड़ता है, और सामने ही आपको जो है एक जो है शिव जी की काफ़ी बड़ी मूर्ति दिखाई पड़ती हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे पुल बनाए गए हैं, और पूजा सामग्री सामान के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी कैनीज रख रखी है, जिसमें श्रद्धालु जो है अपने साथ गंगा जल लेकर जाते हैं। खाने पीने का भी यहाँ पे काफ़ी इंतज़ाम है। साफ़ सफाई की कुछ असुविधाएँ दिखाई पड़ती हैं, पर जब यहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है तो कुछ इसी टाइप के नज़ारे से दिखाई पड़ते हैं।
तो यहाँ पे जो है जनता जनार्दन कुछ इस तरह से सुबह से शाम तक हर रोज़ स्नान करती है और माँ गंगा का आशीर्वाद लेती है। और हम अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप भी जब भी हरिद्वार पर जाएंगे तो आपको ये वाला दृश्य जो कि आपको मेरे पीछे दिखाई पड़ेगा, ये हर की पैड़ी का एक जो है यहाँ पे क्लॉक टावर बना हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा यहाँ से सारी घोषणाएँ होती है जिस टाइप की भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो है अगर आपको दिख जाता है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये हर की पैड़ी वाला स्थल है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अलग नज़ारे, जैसे कि आपको मेरे को दिखाई पड़ते रहते हैं मैं आपको दिखाता चले जाता हूँ। तो मैं आपको ये सामने दिखा देता हूँ, तो ये कुछ क्लॉक टावर इस टाइप का है, सामने लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे और साथ में आपको जो है पूजा की सामग्री दिखाई पड़ जाएंगे, खूब सारे जो है पूजा की फूल आपको दिखाई पड़ेंगे। और यहाँ पे जो है पंडितों के जो है पंडाल से दिखाई पड़ते हैं जहाँ पे पूजा होती है। यहाँ से आप जो है किसी भी प्रकार की जो आप पूजा करवाना चाहते हैं यहाँ पे हो जाती है। और सामने आपको लोग दिखाई पड़ेंगे, तो अभी शायद टाइम होने वाला है यहाँ पे गंगा आरती का। तो अभी हमारा जो है गंगा आरती का देखने का भी यहाँ पर एक प्लान था, तो यहाँ पे गंगा आरती थोड़ी देर में लगभग 6:30 से 7 बजे के करीब जो है होगी। तो अभी जो है लोग अभी 5 बज गए हैं, तो लोग अभी से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी जो है अपनी सीट ग्रहण कर चुके हैं। यहाँ पे गंगा आरती जो है होगी, तो इसी स्थान पे गंगा आरती होती है। देखिए कितनी सारी भीड़ है, सब आकर यहाँ बैठ चुके हैं और गंगा आरती का जो है वेट कर रहे हैं। यहाँ पे गंगा आरती होती है, तो ये आपने स्थल अगर आप आए होंगे तो आपने देखा भी होगा। तो यहाँ पे जो है गंगा आरती होती है जो मेन वाली होती है सुबह और शाम को। तो हम अभी इससे पहले मार्केट घूम जाते हैं क्योंकि अभी टाइम है 1 घंटे का। सामने आपको कुछ फॉरेनर्स आते हुए भी दिखाई पड़ जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं और विज़िट करते हैं इंडिया के जो है जितने भी पवित्र स्थान हैं। तो कुछ इस टाइप से यहाँ से नहर काफ़ी जो है नैरो हो जाती है, गंगा नदी जो है यहाँ से काफ़ी नैरो हो रही है। गंगा माता के जो है दर्शन के लिए लोग हैं काफ़ी उत्सुक हैं और जो है गंगा आरती के लिए दर्शन के लिए काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक पुल पे आ चुके हैं मार्केट के अंदर जाने के लिए, तो मार्केट में चल के देखते हैं वहाँ हमारे को क्या क्या दिखाई पड़ता है। हमें अभी नाश्ता भी करना है, इससे पहले मार्केट में आ चुके हैं जो कि यहाँ पर, तो यहाँ पे जो कि एक चोटी वाला भोजन का स्थान भी है और आपको मार्केट में ले चलते हैं। तो आपको मेनली मार्केट में जो है यहाँ पर पूजा के सामान की सामग्रियाँ जिनमें मूर्तियाँ कलश मालाएँ ये सब बर्तन सर्तन से दिखाई पड़ते हैं सब होते हैं। तो यहाँ पे कुछ लाठियाँ भी हैं जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए आवश्यकता के अनुसार मिल जाएगी। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं, देखिए सामने मालाएँ काफ़ी सारी हैं, चूड़ियाँ लेने से सामान ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और प्रसाद वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पर। तो मार्केट कुछ इसी टाइप का है, यहाँ पे देखिए कुछ खाने पीने का सामान भी है, रसगुल्ले दूध की चीज़ें मालाएं, तो यहाँ पे खूब सारी आपको दिखाई पड़ जाती हैं। तो मार्केट कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। तो ये हरिद्वार का जो है मार्केट है, यहाँ पे आपको डेली लाइफ की सारी चीज़ें तो मिल जाती हैं, साथ ही साथ जो है ये सारी मालाएँ मंगलसूत्र चूड़ियाँ लेडीज़ की रिलेटेड सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। तो इस टाइप का यहाँ का मार्केट है, आप सामने देख सकते हैं एक बड़ा स्टोर है, यहाँ पे पीतल कॉपर के काफ़ी सारे बर्तन वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और सामने गदाएँ भी रख रखी हैं हनुमान जी की और काफ़ी सारी मूर्तियाँ भी हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कलश वगैरह भी है।
खिलौने बच्चों के और ये कपड़े जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ इस टाइप के कपड़े भी मिल जाते हैं जो कि आप ले सकते हैं यहाँ से, जिनको आप पहन कर जो है काफ़ी चीप और अच्छे कपड़े हैं जो कि आपको मार्केट में मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये थैले भी मिल जाते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर से, एंटीक आइटम्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें बच्चों के लिए ले लिया जाता है। तो मार्केट में भी काफ़ी सारा सामान आपको दिखाई देता है जो कि आपके दैनिक जीवन में आवश्यकता के अनुसार मिलता है। तो दिन का सर टाइम तो ख़त्म हो चुका है, अब आपको पहली बार हम रात की दृश्य भी यहाँ पे दिखा देते हैं। तो कुछ इस टाइप पे रात का दृश्य होता है, लगभग टाइम हो चुका है आरती का, तो हम आरती के लिए चलेंगे। तो कुछ इस टाइप की भीड़ है, देखिए यहाँ पे कुछ इस टाइप का भीड़ का मंजर आपको दिखाई पड़ता है। सामने काफ़ी भीड़ हो चुकी है, आरती का टाइम हो चुका है, सभी लोग जो है अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं। तो आरती सभी कर रहे हैं, वो देखो सामने जो है आरती भी हो रही है, दूर से आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो सामने आरती भी हो रही है, तो हम कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच सकें। तो चलिए वहाँ तक पहुँचते हैं जल्दी से, जगह जगह पे आरती हो रही है। तो कुछ इस टाइप का मंजर है, तो सभी जगह से आरतियों का दर्शन और साथ में ये आवाज़ भी आरती की आ रही है। तो पर जो है ओरिजिनल जो आरती हो रही है वो सामने हो रही है, तो हम वहाँ पे चलते हैं जल्दी से, देखते हैं कि वहाँ पे क्या मंजर है। तो काफ़ी लोगों की भीड़ हो चुकी है, हम चल रहे हैं उधर की तरफ ही जहाँ पे आरती हो रही है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। ये देखो रंग बिरंगे से जो है खिलौने भी लोग लेकर घूम रहे हैं बेचने वाले। आरती का जो है टाइम हो चुका है और सामने आरती भी हो रही है। सामने आरती हो रही है, देखिए तो सामने आरती हो रही है, आप देख सकते हैं। हमारे हम भी भाग्यशाली हैं कि हम अभी इस वक्त यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो चुकी है और लोगों को काफ़ी उत्सुकता है आरती की। तो कुछ इस प्रकार से जो है हरिद्वार की आरती होती है। आप जब भी आप संडे को जाएं, और विंडस का टाइम है और प्रतिदिन यहाँ पे शाम को 6 बजे आरती स्टार्ट होती है। आरती में काफ़ी भीड़ होती है, आप जाकर अपना ग्रहण पहले से ले सकते हैं और इंतज़ार कर सकते हैं। आप असुविधा से बचने के लिए पहले से अपनी सीट पर बैठ सकते हैं और बैठ के अपनी इंतज़ार करके आप आराम से आरती ले सकते हैं और आरती का आनंद ले सकते हैं। और आरती यहाँ की काफ़ी अच्छी और सुंदर होती है और सर्दियों का टाइम अब आ चुका है, तो आरती का आनंद भी काफ़ी आता है। तो आप जब भी जाएँ तो 5:30 बजे वहाँ पर जाकर बैठ जाइए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और स्थान ग्रहण करने के बाद आप वेट कर सकते हैं, आरती आप ले सकते हैं, साथ ही साथ आरती लेने के साथ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और हरिद्वार का मार्केट भी काफ़ी अच्छा है, वहाँ से जाकर आप अपनी पूजा की सारी सामग्री ले सकते हैं, बर्तन आपके मिल जाते हैं। आप जब भी जाएं यहाँ से हर की पौड़ी से तो गंगा माता का जो है जल जरूर लें और अपने घर पर रखें। जब भी आपके घर पर पूजा का कोई भी अवसर आता है तो वहाँ पे आपका गंगा जल आप यूज कर सकते हैं। गंगा जल काफ़ी
शुद्ध होता है, काफ़ी सालों तक आप जो है इसे अपने पास रख सकते हैं, फिर भी ये ख़राब नहीं होता है। तो जब भी आप जाएं और यहाँ से लेकर जाएं अपने साथ जंगल इस टाइप के, यहाँ पे दर्शन हो रहे हैं, काफ़ी शानदार दिखाई पड़ रहा है इस वक्त हर की पैड़ी। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, सारा हर की पैड़ी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ रहा है। और लोगों की कि यहाँ पे हुजूर उतर पड़ा है, कुछ आरती समाप्त हो चुकी है, कुछ इस टाइप से आरती का समापन हो चुका है। तो अभी हमारा जो है घर चलने का टाइम आ चुका है, उससे पहले कि हम यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।